चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदूषण कम लेकिन खत्म नहीं हुआ। जी हाँ, दिल्ली समेत हरियाणा के कई शहरों में वायु प्रदूषण पहले से थोड़ा सा घट गया है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण वायु प्रदूषण में कमी जरूर आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिन तक मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी और इस कारण से वायु प्रदूषण में और गिरावट आने की संभावना है। हालांकि प्रदूषण सिर्फ कम हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। कई इलाकों में जहरीली हुई हवा के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, खासकर उन लोगों को जो पहले से ही सांस की बीमारी के कारण परेशान हैं। दिवाली के बाद पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। चल रही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से पॉल्यूशन काफी बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे बालों का गिरना, छाती का, आंखों का खराब होना, आंखों में इन्फेक्शन हो जाना, छाती में फेफड़ों का खराब हो जाना, हार्ट की डिजीज आना, ये सारी दिक्कतें हमें शरीर को तंग करती हैं। आज मैं आपको कैसे हम इस पॉल्यूशन से बच सकते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जहाँ कहीं हम रहते हैं, यदि हमारे आसपास कहीं कच्चा एरिया है जहाँ पे धूल काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है, उसको कोशिश करें पानी डाल के रखें ताकि जो है वो मिट्टी ना उड़े। यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो चश्मा लगा के निकलें ताकि हम अपनी आँखों का बचाव कर सकें। यदि हमें फेफड़ों की बीमारी है या नहीं है और धूल में जाने से तकलीफ हो जाती है तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क को लेके लोगों में बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ हैं। मैं कहूँगा आप सिंपल यदि डबल मास्क लगा लेते हैं तो वो सफिशेंट है आपको एक बार बचाने के लिए। हाँ, हालांकि जिन लोगों को मरीजों को ब्रोंकल एस्थमा है, फेफड़े की बीमारी है, उनमें अलग से स्पेशल मास्क आते हैं जो आदमी यूज कर सकता है। इसके अलावा जो है आप जो है बालों के लिए बचाने के लिए आप बालों में जाएं तो यदि आपको लगता है धूल वाले एरिया में जा रहे हैं तो सर पे कैप लगा के रखें। इन सारे एहतियात के अलावा दवा लेना ना भूलें। का स्तर अलग अलग जगहों का आपको बता देते हैं। दिल्ली के आनंद विहार में 353, गुरुग्राम में सेक्टर 51 का तो वो भी 300 के पार, बल्लभगढ़ में 336, कैथल में 285, जींद में 266 और करनाल में 270, कुरुक्षेत्र में 216, रोहतक में 198 आज सुबह का ये वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो दर्ज किया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं आप कैसी हवा ले रहे हैं, क्योंकि 0 से 50 तक बेहतर है और उसके अलावा उसके आगे जो भी बढ़ता है प्रदूषण तो वो खतरनाक ही होता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर 300 से भी ज्यादा अलग अलग जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर 300 से भी ज्यादा जो है वो वायु प्रदूषण का स्तर AQI पर दर्ज किया जा रहा है। ये अलग अलग जगहों का वायु प्रदूषण का स्तर आप देख सकते हैं। रोहतक में इस लिस्ट में सबसे कम जो है वो वायु प्रदूषण का स्तर देखा है और 301 से 400 तक का बहुत खराब वायु प्रदूषण होता है।